वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला जो मेकअप लुक है वो शेयर करने वाली हूँ। ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है, ब्लू हेवन वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल है। सुपर डुपर अफोर्डेबल है, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स है वो अंडर 500 में है। और उसके साथ मैंने इंडिगो कुर्ती वेयर की है। ये इयर रिंग्स जो है वो ऑक्सीडाइज की, क्योंकि इंडिगो जब हम पहनते हैं ना तो उसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये रिंग मैंने वेयर की है। एक ब्रेसलेट वेयर किया है, थोड़ी सी बिंदी वगैरह लगाई है, और नोज रिंग जो आती है वो भी मैंने वेयर की है। कैसी लग रही है नोज रिंग, मेरे पे सूट कर रही है नहीं, वो भी बताइएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का जो प्राइमर आता है वो यूज़ करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से आता है और ये भी सिलिकॉन बेस्ड है। इसके पहले मैंने इनसाइड का वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल एंड फेस ब्यूटी का मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया, आप देख सकते हो। उसके बाद जो ब्लू हेवन का सिल्क साटिन वाला फाउंडेशन आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ इस तरह से आता है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, फ्लोरल जैसे इसकी फ्रेगरेंस है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, अगर आपकी स्किन ड्राई है डेफ़िनेटली आप जा सकते हो। मुझे बहुत ही पसंद आया है, मीडियम कवरेज देता है और ईजिली ब्लेंड हो जाता है। ड्राई स्किन वाले डेफ़िनेटली आप ट्राई कर सकते हो इसको। ऑयल स्किन का पता नहीं, क्योंकि मेरी ड्राई है तो मैंने ट्राई किया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है और मैं अब इसको रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ। उसके बाद मेरे पास ब्लू हेवन का कंसीलर नहीं है तो मैं फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर अपनी आईज़ के अराउंड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, अपने डार्क सर्कल्स वगैरह जो है उसको हाइड करने के लिए। जहाँ जहाँ पे आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फाउंडेशन या कंसीलर लगा के उसको हाइड कर सकते हो। आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो गया है। उसके बाद ब्लू हेवन का लेस ट्विस्ट मस्कारा जो है उससे मैं अपनी आईब्रो जो है वो फिलअप कर दूँगी। इस तरह का एप्लीकेटर के साथ आता है, और क्योंकि मेरे पास जो है ना ब्लू हेवन का आईब्रो फिलर नहीं है, आईब्रो फिल करने के लिए आईब्रो पेंसिल नहीं है, तो इसीलिए मैं मस्कारा को एज ए आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। और मैं बहुत बार करती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। ब्लू हेवन की जो ब्लश पैलेट आती है उसमें से आप देख रहे हैं ये ब्राउन वाला शेड है ना, उसको मैं आईज़ पे लगाऊंगी। लाइक कि आपके पास ये प्लेट है ना तो इसको आप मल्टी वे में यूज़ कर सकते हो, इसको कॉन्टोरिंग के लिए, ब्लश के लिए और आई लुक क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके पिगमेंटेशन की बात करूँ तो इसके पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। पिगमेंटेशन आप देख ही सकते हो, जिस आईज़ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे आप देखिए और दूसरी आईज़ पे डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, मैं अभी स्वाचेस भी दिखा देती हूँ पिगमेंटेशन के, बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है। ये वाली पैलेट आप ले सकते हो, फाउंडेशन भी इसका अच्छा है, इसका प्राइमर भी अच्छा है। जो जो प्रोडक्ट अच्छी लगी है मैं बोलती जाऊँगी, जो जो मुझे नहीं पसंद आई वो भी मैं बताती जाऊँगी कि कैसी है। ये जो है वो ब्लू हेवन की जो इंटेंस जो आईलाइनर आती है, लाइक कि पेन आईलाइनर आती है वो है। तो इसको ये देखिए मैं हिला रही हूँ, क्योंकि इसको ऐसे बार बार अगर आप ऊपर करके लगाओगे ना तो इसकी जो इंक है ना बाहर नहीं निकलती है, बार बार आपको नीचे करना है देन ऊपर करना है। जैसे कि हम पेन से लिखते हैं दीवार पे रख के कोई नोटबुक, तो कैसे पेन नहीं चलती है ना, उसके अंदर से सही नहीं निकलती है ना, इसमें ऐसे ही प्रॉब्लम आता है। और ये इतनी अच्छी भी नहीं है तो ये मत लीजिएगा, ठीक ठाक है, मुझे इतनी पसंद आई नहीं है। इसका पिगमेंटेशन भी ठीक ठाक है, अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आई मुझे तो, पता नहीं क्यों। देन जो है वो ये उसका जो लिक्विड आई शेडो आता है वो है कुछ इस तरह से रोज़ गोल्ड जैसा, इसका जो है वो शेड है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने आईलाइनर अप्लाई कर दी है। अभी एक आप देख रहे हैं एंगुलर ब्रश लिया है मैंने, ये सारे ब्रशेस पैक के हैं। कमेंट्स आती है लोगों की, बहुत सारे लोगों की, तो मैं बता देती हूँ। मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, उसका मैंने डिटेल्स रिव्यू किया है तो आप चेक कर सकते हो। अफोर्डेबल है और साथ ही में बहुत अच्छे हैं। तो मैं जहाँ पर आईलाइनर लगाई है ना ब्लैक कलर की, उसके ऊपर इसको लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है, आई कैची लग रहा है। इसको आप वेडिंग्स में, पार्टीज़ में, इवनिंग फंक्शन में भी कर सकते हो। ऐसे फ्लैट एंगुलर ब्रश ले लेना है पतला सा आपको, और उसके ऊपर ही आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, क्लोजअप में दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। कैमरे का पता नहीं लेकिन रियल में और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने दोनों आईज़ पर लगा दी है और उसका क्लोजअप लुक आपको दिखा रही हूँ कैसे दिखती है लगाने के बाद। देन यहाँ पे मैंने इंडिगो कुर्ती पहनी है ब्लू कलर की, तो ब्लू हेवन में मेरे पास ब्लू काजल भी है, ग्रीन काजल भी है, तो मैंने सोचा ब्लैक भी है तो ब्लू है तो ब्लू ही मैं अप्लाई करती हूँ, ब्लू भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो थोड़ी सी थीक अप्लाई कर रही हूँ,
स्मोकी लुक क्रिएट कर रही हूँ थोड़ी सी बड़ी सी, ताकि आईज जो है वो बोल्ड लगे। तो ये देखिए, तो काजल जो है अच्छी है, तो काजल आप ले सकते हो। इसका आई शेडो जो मैंने बताया लिक्विड वाला, वो भी अच्छा है, तो वो भी ले सकते हो। देन मैं इसका जो मस्कारा है वो अप्लाई कर दूँगी। मस्कारा भी अच्छा है, पिगमेंटेशन भी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मुझे मेबलिन का ज़्यादा पसंद है। सब सारे मस्कारे मैंने यूज़ कर लिए, उसमें मुझे मेबलिन का ही अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो, ये वाला भी अच्छा है। देन ये वाला शेड जो है ना, अभी ब्लश पैलेट जो है इसमें से, ये वाला शेड, इसको एज ए ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ। इसका पिगमेंटेशन अच्छा है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, पाउडर बेस है पिगमेंटेशन। आप अभी मैं जब अप्लाई करूँ तब देख लीजिएगा। ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सा लुक देता है। रियल में बहुत ही अच्छा लुक लग रहा था, कैमरे में भी वैसे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा था। जहाँ जहाँ पे आपको ब्लश अप्लाई करना है कर सकते हो। मैंने चीक पे थोड़ा सा, नोज़ पे, चिन पे किया है। देन ये ब्राउन वाला शेड जो मैंने आइज़ पे लगाया ना, वही वाला शेड से मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि फेस के फीचर्स है वो अच्छे लगे। उसको लगा के मैं ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से, ब्राउन वाला जो शेड है ना। तो आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हो। मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी कर लेती हूँ। और उसके बाद ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर, यानी कि मेकअप सेटिंग स्प्रे है, उसकी मदद से सारे मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से रिमूव कर दूँगी। आपको भी कभी ऐसा होता है तो ऐसे कर सकते हो। मेरे पास हाइलाइटनर नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। और ये अप्लाई करने के बाद फेस जो है वो पूरा ग्लोई ड्यूई लग रहा है। तो विदाउट हाइलाइटनर भी मेरा फेस जो है वो शाइन कर रहा था। तो बहुत अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, तो आप ट्राई कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की रेड वाली लिपस्टिक, मतलब कि रेड शेड में है वो लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये लिप्स को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है और इतना अच्छी नहीं है, तो मत लगाइएगा। उसके बाद मैंने जो है वो बिंदी लगा ली है। और ये जो है वो मेरे पास ऑक्सीडाइज की रिंग है ऑलरेडी, और उसमें भी ब्लू बीड्स वाली है, तो मैचिंग हो रही थी तो वो पहन ली है। ये वाली इयररिंग्स मैंने वेयर की है जो मैंने मीशो से ली थी। और इसके साथ मैं ये ऑक्सीडाइज वाला ब्रेसलेट जो है ये भी मीशो का है, इसे भी मैं वेयर कर लूँगी। तो ये मेरा लुक जो है वो पूरा कम्प्लीट हो गया। सो गाइस, ये है फाइनल लुक। आपको मेरा लुक कैसा लगा नीचे कमेंट करके पक्का बताइएगा। आगे और भी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो या फिर और कोई मेकअप लुक देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो। मेकअप लुक DIY स्किन केयर रेगुलर बेसिस पे आते ही रहेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो बस आज के वीडियो में यही था। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।